अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इंग्लिश लिटरेचर में से हम क्लासिकल पोइट्री को पढ़ रहे हैं और क्लासिकल पोइट्री में से अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री को हमने शुरू किया है। इसमें से इसकी पोएम द रेप ऑफ लॉग में से सुपर नेचुरल मशीनरी का क्वेश्चन आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सुपर नेचुरल कहते किसको हैं। जी, सुपर नेचुरल कोई ऐसी चीज़ होती है जो बियॉन्ड द लॉजिक हो, जो अनरियल फील होती हो, ठीक है, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ना हो। ऐसी चीज़ को, ऐसे एलिमेंट्स को हम सुपर नेचुरल कहते हैं, या सुपर नेचुरल मशीनरी भी कह सकते हैं। सुपर नेचुरल मशीनरी को द रेप ऑफ लॉक में किस तरह से यूज़ किया गया है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो अननेचुरल हैं, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और उनको इस पोएम में डिस्कस किया गया, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये याद रखना भी ज़रूरी है कि सुपर नेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ लॉक यूं भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, और पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एपिक मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक, या फिर एरियल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है कि सुपर नेचुरल मशीनरी को एपिक मशीनरी या एरियल मशीनरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। सुपर नेचुरल मशीनरी के बारे में अगर बात की जाए तो पोप ने मिस एराबेला फर्मर को लेटर एक लिखा था। एराबेला फर्मर वो करेक्टर है, वो लड़की है जिसकी लटें जो हैं, जिसके जो बाल थे वो काट लिए गए थे। हकीकत में आपने अगर इसका बैकग्राउंड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एराबेला फर्मर के बाल उसका जो एक बिलवर था उसने काट लिए थे, ठीक है। और फिर पोप का जो फ्रेंड था कैरल, जॉन कैरल ने पोप से ये कहा कि आप कोई ऐसी पीस ऑफ राइटिंग लिखें कि जिसके ज़रिए से मैं ये बहुत बड़ा इशू जो कि बन चुका है, उसके लट कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, फसाद चल रहा है, तो कोई ऐसी आप पीस ऑफ राइटिंग लिखें कि जिसको पढ़ने से ये मिस एराबेला फर्मर का जो गुस्सा है उसके अपने बालों के कट जाने पर, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो जॉन कैरल के कहने पे पोप ने ये चीज़ लिखी। और इसके अलावा पोप ने मिस एराबेला फर्मर, जिसकी लिटें काटी गई थी, उसको एक पर्सनली खत लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा, द मशीनरी मैडम इज अ टर्म इन्वेंटेड बाई क्रिटिक्स टू सिग्निफाई दैट पार्ट विच द डिटीज एंजल्स एंड डेमन्स आर मेड टू एक्ट इन अ पोएम। कि सुपर नेचुरल मशीनरी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके उस हिस्से को सिग्निफाई करती है, उस हिस्से के ऊपर उसकी इम्पोर्टेंस को क्लेरिफाई करती है, जो कि डिटीज एंजल्स या डेमन्स की तरफ से प्ले किया गया हो, यानी आपका कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जिसमें आपने गॉड्स, एंजल्स या सैटन्स वगैरह को डिस्कस किया, या अगर स्पिरिट्स जो कि जिन्हें हम बदरूहें कहते हैं, डेमन्स या स्पिरिट्स जो रूह, नेक रूहें होती हैं, उनके बारे में अगर आपने अपने लिटरेचर की किसी पीस ऑफ राइटिंग में कुछ लिखा है तो वो आपका सुपर नेचुरल एलिमेंट कहलाएगा। तो अलेक्जेंडर पोप जो थे वो एक्सप्लेन्स करते हैं अपनी मशीनरी को, मशीनरी टर्म को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इज अ टर्म इन्वेंटेड बाई द क्रिटिक्स टू सिग्निफाई द पार्ट विच डिटीज एंजल्स आर डेमन्स प्ले इन अ पोएम। ठीक है, आपकी पोएम में वो हिस्सा, वो किरदार जो डेमन्स, एंजल्स या डिटीज प्ले करते हैं, उस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए आप मशीनरी का यूज़ करते हैं। ही गोज ऑन टू से दैट मशीनरी इन हिज पोएम इज बेस्ड ऑन द रोसिक्रुशियन डॉक्ट्राइन। मजीद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी इस पोएम में जो सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया है ये रोसिक्रुशियन डॉक्ट्राइन पर बेस्ड है। मीन्स के रोसिक्रुशियन डॉक्ट्राइन एक ऐसी डॉक्ट्राइन थी, एक ऐसी फिलॉसफी है कि जिसके मुताबिक ये माना जाता है कि चार एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में, सिल्फ, निम्स, जिनोम्स एंड सेलामेंडर्स। इनके बारे में ये कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान जो होता है वो अपने असल वजूद, जिस चीज़ से वो बना होता है, मसलन अगर कोई पर्सन वाटर से बना है तो वो मरने के बाद वाटर में कन्वर्ट होता है, उसकी जो स्पिरिट होती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है। जो एयर से बना होता है तो वो एयर में, इसी तरह से आग से बनने वाला आग में, ठीक है।
तो जो बंदा जिस मटेरियल से बना होता है वो उसी चीज़ में दोबारा से कन्वर्ट होता है, और चार टाइप्स हैं जिनमें कन्वर्ट होता है हर बंदा। तो इस थीम को, इस फिलॉसफी को, या इस डॉक्ट्राइन को हम रोसिक्रुशन डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो पोप का कहना है कि सुपर नेचुरल मशीनरी जो उन्होंने अपनी पोइम में यूज़ की है वो रोसिक्रुशन डॉक्ट्राइन पर बेस्ड है, और मजीद ये कि उसी डॉक्ट्राइन के बारे में वो मजीद बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन देर आर फोर एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें बंदा दोबारा से चेंज होता है? सेल्फ्स है, नेम्स है, जीनोम्स है, और सेलामेंडर्स हैं। ठीक है, सेलामेंडर्स वो होते हैं जो फायरी होते हैं, जीनोम्स मजीद ये सारा हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जीनोम्स अर्थ में से हो गए, आगे मजीद हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो चार एलिमेंट्स हैं, ये जो चार स्पिरिट्स या क्रिएचर्स हैं, इनमें से जो सिल्फ्स हैं हमारे पास, सिल्फ्स के बारे में कहा जाता है कि इनका हैबिटेशन जो कि एयर में होता है, और ये इन्हें सपोज किया जाता है कि ये बेस्ट कंडीशन क्रिएचर्स हैं, यानी ये जो चार क्रिएचर्स हैं उनमें से ये आपकी जो सिल्फ्स हैं ये सबसे बेस्ट हैं, ये उन्हें लीड कर रही होती हैं। इसके बाद है जी व्हेन द फर्स्ट एडिशन, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात हम कर रहे हैं, वो ये है कि जब इसका द रेप ऑफ लॉक का पहला वर्जन, हमें पता है कि रेप ऑफ लॉक तीन वर्जन्स में आई थी। ठीक है, तो इसका जब पहला वर्जन जो कि 1712 में आया, इसमें हमारे पास जो कैंटोस थे, थ्री कैंटोस थे। ठीक है, और इन थ्री कैंटोस में से अगर पहले टू कैंटोस की बात की जाए, यानी पहले टू सेगमेंट्स की अगर बात की जाए, तो उनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमें नज़र नहीं आते, और लेकिन उसके बाद पोप ने पहले दो कैंटोस को छोड़ के आने वाले जो बाद वाले कैंटोस थे उनमें सुपर नेचुरल मशीनरी का उसने इस्तेमाल किया है पोप ने। क्यों क्यों किया, उसका भी हमारे पास आंसर है कि क्योंकि पोप जो थे वो चाहते थे कि वो अपनी इस पोएम को, हमें पता है कि ये हमारे पास जो रेप ऑफ लॉक है ये एक मोक एपिक पोएम है। ठीक है, मोक एपिक पोएम ऐसी पोएम होती है कि जिसका जो स्टाइल होता है वो तो एलिवेटेड होता है एपिक की तर्ज पर, लेकिन जो इसका थीम होता है वो ट्राइबल होता है, कॉमन थीम पर बेस्ड होती है। तो पोप चाहते थे कि वो एक मोक एपिक पोएम लिख रहे हैं, तो जाहिर उन्होंने उसको रिजेंबल करवाना था जितना हो सके एक एपिक के साथ। तो इसलिए उन्होंने देखा, चूंकि एपिक्स में सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, हमने पीछे पढ़ा है जी पैराडाइज लॉस्ट में, तो वो एपिक पोएम थी, और उसमें हमने देखा कि सैटन, एंजल्स और गॉड्स, इन इनका इस्तेमाल किया गया है, उनके बारे में लिखा गया है, तो वो एक बेहतरीन एपिक है। तो इसी तरह से पोप ने भी अपने इस पोएम को एपिक के साथ रिजेंबल करने के लिए इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी बारो की लिखी। बारो की मतलब इसलिए लिखा गया है कि बारो की, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो थीम लिए हैं, जो उन्होंने सोच ली है, वो बारो करके लिए है। मसलन इसमें जो हमारे पास चीफ गार्डियन है सिल्फ्स का, एरियल, एरियल उसने जो नेम लिया है वो उसने शेक्सपियर का द जो प्ले था द टेम्पेस्ट उसमें से उसने बारो किया। इसी तरह से जो सिल्फ्स हैं, सिल्फ्स उसने कहाँ से लिए जी, फ्रेंच बुक थी ली कॉमेट कैबलिस। ठीक है, वेलर की जन्म से लिखी गई थी, तो ली कॉमेट कैबलिस जो कि वेलर ने लिखी, जर्मन राइटर था, 15 सेंचुरी की ये बात है। तो इन्होंने पोप ने वेलर की बुक ली कॉमेटी कैबलिस में से सिल्फ्स का आइडिया बारो किया, और द टेम्पेस्ट में से एरियल का करेक्टर उसने बारो किया। एरियल ने टेम्पेस्ट में भी काफ़ी सारे मेरिकल्स दिखाए, और वहाँ पे भी ये बाकी स्पिरिट्स को लीड कर रहा था। तो इसी तरह से द रेप ऑफ लॉक में भी एरियल ही चीफ गार्डियन है, बाकी जो स्पिरिट्स उनको लीड करता है। तो मुकम्मल तौर पर जो पोप ने ये सुपर नेचुरल मशीनरी उसने यूज़ की है अपने इस पोएम में, वो उसने बारो करके यूज़ की है। इसके बाद बात करते हैं जी, पोप जो है वो इस पोएम में हमें बताता है, टेल्स अस इन द पोएम दैट ब्यूटीफुल वुमेन रिटर्न। ठीक है, जिस तरह रोसिक्रुशन थ्योरी कहती है कि मरने के बाद इंसान वापस अपने असल माखज़ में तब्दील हो जाता है, तो उसी तरह से पोप भी इस पोएम में हमें बताता है कि जो ब्यूटीफुल वुमेन होती हैं वो दोबारा से लौट जाती हैं अपनी मौत के बाद, डेथ के बाद, उन्हीं एलिमेंट्स में
फ्रॉम विच दे वर डिराइव, जिनसे वो बनाई गई थी। ठीक है, अब हमारे पास जो टेम्परामेंट्स हैं वो जी, हमारे पास चार टेम्परामेंट्स हैं, मैंने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, जिनोम्स हैं, सिल्फ्स हैं, नेम्स हैं या सेलामेंडर्स हैं। हर बंदे को, हर शख्स को उसके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग उसके माखज में तब्दील किया जाता है। जो वायलेंट टेम्पर्ड होती हैं, मीन्स के जो गुस्से वाली जो औरतें होती हैं, वो क्या बनती हैं जी, वो सेलामेंडर्स बनती हैं। और सेलामेंडर्स उनको कहते हैं जो स्पिरिट्स फायर से यानी आग से बनी होती हैं, यानी वो स्पिरिट्स जो आग से बनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलामेंडर्स कहते हैं। और वो औरतें सेलामेंडर्स में चेंज होती हैं जो कि काफ़ी गुस्से वाली होती हैं। उसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास, वुमेन ऑफ जेंटल एंड प्लीजिंग डिस्पोजिशन, ऐसी औरतें जो कि शाइस्तगी और अच्छे हुस्न अखलाक वाली होती हैं, उनका जो फितरत होती है वो अच्छी होती है, हंसमुख होती हैं, खुश अखलाक होती हैं, वो निम्स में चेंज हो जाती हैं जो कि वाटर स्पिरिट्स कहलाती हैं। इसके बाद प्रूडश या नैरो माइंडेड वुमेन जो होती हैं वो जिनोम्स बन जाती हैं। ठीक है, अर्थली स्पिरिट्स भी हम कह सकते हैं। लाइट हार्टेड या कॉकेट्स जो होती हैं, कॉकेट्स मीन्स फ्लर्टी टाइप की जो औरतें होती हैं, वो किस में चेंज होती हैं जी, वो सिल्फ्स में चेंज होती हैं। और सिल्फ्स जो होती हैं वो एयर से डिराइव होती हैं। पोप एट्रीब्यूट्स टू द मिस्चीवियस इन्फ्लुएंस ऑफ द जिनोम्स मैनी अनगार्डेड फोलीज ऑफ द फीमेल सेक्स विच ही होल्ड्स अप टू रिडिक्यूल। पोप जो होते हैं वो मंसूब कर रहे हैं औरतों के बहुत सारे ऐसे गुनाह, ऐसी हमाकतें जो कि उनसे सरजद हुई हैं, लेकिन पोप उन हमाकतों को मंसूब करते हैं जिनोम्स के साथ, कि उनकी औरतों की ये जो हमाकतें, ये जो गलती थी वो जिनोम्स की असर, सोहबत के असर के वजह से उनसे होती हैं। और मज़ीद फिर वो उनकी उन गलतियों को पोप जो होता है वो रिडिक्यूल करता है आगे चल के। ठीक है, लेकिन पोप ये चीज़ मान रहा है कि औरतों से जो गलतियाँ हो रही हैं, जो भी बंदे से गलतियाँ होती हैं, खताएँ होती हैं, वो बंदा खुद नहीं करता, वो उनसे जिनोम्स की जो सोहबत का असर होता है वो उनसे गलतियाँ करवा लेती है सोहबत। ठीक है, इसके बाद है जी, द फर्स्ट एंड द परहैप्स द फॉरमोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द सिल्फ्स इज द प्रोटेक्शन। ठीक है, हमने ये चीज़ पता है, हमने समरी में पढ़ रखी है कि जो सिल्फ जो थी उनका सबसे पहला काम जो था, उनका अवलीन जो फरीजा था वो ये था कि उन्होंने प्रोटेक्शन करनी है, उनको ब्लिंडा को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ब्लिंडा एराबेला फर्मर चूंकि एक रियल करेक्टर था, और पोप ने अपने इस पोइम द रेप ऑफ लॉक में एराबेला फर्मर की जगह पे एक फिक्शनल करेक्टर डाला है जिसका नाम बेलिंडा रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोएम में आपको ब्लिंडा ही नजर आएगा, इसमें हमें एराबेला फर्मर नजर नहीं आएगा। तो सिल्फ्स का सबसे जो अवलीन काम था वो ये था कि उन्होंने क्या काम करना होता है, उन्होंने फेयर एंड चेस्ट लेडीज, ऐसी औरतें जो पाक दामन होती हैं, जिन्होंने मेल सेक्स को रिजेक्ट कर दिया होता है, उनकी हिफाजत करना होता है। इट इज दे हु गार्ड एंड सेव द चेस्टिटी ऑफ मेडन्स हु आर ऑन द पॉइंट ऑफ येल्डिंग टू देयर लवर्स। इन्होंने उन्हें महफूज करना होता है, उनकी हिफाजत करना होती है उन दोशीजाओं की, उन दोशीजाओं की विरजेनिटी की, पाक दामनी की हिफाजत करनी होती है जो कि रजामंद हो चुकी होती हैं कि वो अपने लवर्स को अपना सब कुछ लौटा दें। तो जो सिल्फ्स होती हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, और उनका जो माइंड होता है, उनका माइंड उनके थॉट्स को चेंज कर देती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अभी मजीद कुछ अच्छा देख लो। दे सेव दीज मेडन्स फ्रॉम फॉलिंग विक्टम्स टू द एल्यूरमेंट्स ऑफ ट्रेचरस फ्रेंड्स। ये उन्हें महफूज करती हैं उन दशीजाओं को, ताकि वो शिकार ना बन जाए, एल्यूरमेंट्स मीन्स के सिडक्शन का। ठीक है, ट्रेचरस फ्रेंड्स जो कि मकार, धोखेबाज, झूठी मोहब्बत के दावे करने वाले उनके दोस्त हैं, उनके एल्यूरमेंट्स में वो ना आ जाए, उनकी बातों में ना आ जाए। एंड डैशिंग यंग मैन, और खूबसूरत यंग मैन, अट्रैक्टिव यंग मैन के जंगल में ना फंस जाए, हुज म्यूजिक सॉफ्टन्स देयर माइंड्स एंड डांसिंग इन्फ्लेम्स देयर पैशंस। जिनके वो डैशिंग यंग मैन, जिनका म्यूजिक जो होता है उनके जो दिमाग होते हैं, उनके माइंड्स को बड़ा नरम कर देता है, और उनका डांस उनके पैशंस को, उनके जज्बात को उभारता है। तो जो सिल्फ्स होती हैं उनका सबसे पहला ये काम होता है कि उन्होंने मेडन्स को, वो मेडन जो कि पाक दामन होती हैं, उनको इन सब से बचाना होता है।
अब यहाँ पे जिनोम्स जो हैं हमारे पास, ये जो रेप ऑफ लॉग है इसमें सिल्फ और जिनोम्स को इस्तेमाल किया है, मुकम्मल सुपर नेचुरल एलिमेंट्स उसने पोप ने यूज़ नहीं किए, मीम्स नहीं मिलेंगे इसमें हमें, इसमें हमें सेलेमेंडर्स नहीं मिलते, ठीक है। सिल्फ्स और जिनोम्स का इस्तेमाल किया गया है इस पोइम में। तो जो जिनोम्स हैं वो फिल, क्या करते हैं जी, फिल द माइंड्स ऑफ प्राउड मेडन्स विद फुलिश आइडियाज विच मेक देम इंडल्ज इन वेन ड्रीम्स ऑफ बीइंग मैरिड टू लॉर्ड्स एंड पियर्स। जो जिनोम होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेडन्स के दिमागों में ये फालतू बेवकूफ़ाना अहमकाना ख्यालात डालते रहते हैं और उन्हें इस चीज़ पर उकसाते रहते हैं कि वो ख्वाब देखती हैं, उन्हें वो ख्वाब दिखाती हैं कि वो लॉर्ड्स और नवाबों के साथ प्यार मोहब्बत के ख्वाब देखें, शादी करने के ख्वाब देखें, ठीक है। दीज जिनोम्स टीच यंग कॉकेट्स टू ऑगल एंड प्रिटेंड ब्लशिंग एट द साइट ऑफ फैशनेबल यंग मैन हु काज देयर हार्ट्स टू फ्लूटर। और ये जिनोम्स जो होते हैं ये कॉकेट्स को ये चीज़ सिखाती हैं कि किस तरह से आपने नैन मटक्का करना है, ठीक है, किस तरह से आपने स्माइल देनी है, जब कोई आपको प्यारा सा नौजवान देखे तो आपने उसको किस तरह से अपने आप को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, ताकि उनका जो दिल है वो आपकी तरफ माइल हो सके। इसके बाद है जी, इट इज़ द सिल्फ, मजीद हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो सिल्फ होती हैं वो क्या क्या काम करती हैं। इट इज़ द सिल्फ हाउएवर हु सेफली गाइड द मेडन्स। हमने पिछले पैरे में पढ़ा कि जो सिल्फ होती हैं उनका सबसे पहला काम ये होता है कि वो पाक दामन दोशीज़ाओं की चेस्टिटी की हिफाजत करती हैं। फिर हमने थोड़ा सा जिनूम्स के बारे में पढ़ा कि जो जिनूम्स होती हैं वो उनके माइंड में इस तरह के ख्याल डालते रहते हैं कि वो है फैशनेबल यंग मैन या फिर लॉर्ड और पियर्स की जानब मुतवज्जो हों, ठीक है। अब अगेन हम सिल्फ्स पे आते हैं कि सिल्फ्स जो होते हैं वो ये भी करते हैं कि उन्होंने क्या करना है, सेफली गाइड द मेडन्स थ्रू ऑल डेंजर्स। वो तमाम आने वाले जो खतरात होते हैं उनसे भी मेडन्स को, मेडन्स मीन्स दोशीज़ाओं को, कंवारी लड़कियों को आगाह करते रहते हैं। वेन एवर अ मेडन इज़ अबाउट टू यील्ड टू द सडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर यंग मैन, जब कभी भी कोई दोशीज़ा किसी नौजवान की सिडक्शन में आने वाली होती है, ठीक है, सिडक्शन मीन्स कि लुभाना, कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को जब मखसूस अदाओं के साथ या बातों के साथ उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको हम सिडक्शन कहते हैं। तो जब कोई दुशीजा किसी यंग मैन की सिडक्शन के सामने हार मानने वाली होती है, मीन्स के दिल देने वाली होती है, तो एन अदर हु इज मोर अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग अपेयर्स ऑन द सीन एंड द फैशनेबल मेडन एट वंस ट्रांसफर्स हर फेवर टू द न्यू कमर। तो सिर्फ ये भी काम कर रही होती हैं कि जब उन्हें लगता है कि बंदा की मोहब्बत में जब ये दुशीजा बस सरेंडर करने वाली है, तो वो क्या करती है, वो उस दुशीजा का ध्यान किसी और खूबसूरत से बंदे की तरफ माइल कर देती है ताकि वो उसके बारे में सोचने लग जाए, सब कुछ इसी के ऊपर नानीछावर कर दे। दिस मे बी कॉल्ड फिकलनेस इन वुमेन बट इट इज़ ऑल कंट्रिव्ड बाई द सिल्फ। ये अगरचे औरतों की बेवफाई कही जा सकती है लेकिन ये भी कंट्राइव सिल्फ करती हैं, ये जो रचती हैं, ये जो सारा एक बंदे से दूसरी बंदे की जानब उनके जो उनका जो जाना है, ये सारी जो साजिश है, ये जो चाल है, ये जो प्लान है, ये कौन रचता है जी, ये सिल्फ रचती हैं। और इसलिए रचती हैं ताकि वो किसी ट्रेचरस फ्रेंड के लव में धोखा ना खा जाएं और किसी की मोहब्बत में गिर ना जाएं, ठीक है। तो उनके ख्यालात को सिल्फ जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। इन मोस्ट ऑफ द फेमस एपिक्स गॉड्स एंड एंजल्स प्ले अ वाइटल रोल इन द एक्शन ऑफ द पोएम्स thus showing that human world is not independent। जो मोस्ट ऑफ द फेमस एपिक्स हैं उनमें गॉड्स और एंजल्स बहुत अहम रोल करते हैं उनके प्ले में, उनकी स्टोरी में, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंसान होता है वो इस दुनिया में इंडिपेंडेंट नहीं है और मौजूं भी नहीं है उसका होना, एंड दैट सुपर नेचुरल पावर्स हैव एन इम्पोर्टेंट बेयरिंग ऑन दिस वर्ल्ड। और वो ये भी रिप्रेजेंट करती हैं गॉड्स और एंजल्स के जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं इस दुनिया में भी। पोप थॉट दैट हिज मोक एपिक वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट अ पैरोडी ऑफ दिस एस्टेब्लिश प्रैक्टिस ऑफ एपिक पोएट्स इन इंट्रोड्यूसिंग मशीनरी। द
तभी पोप जो है वो भी ये सोचता है कि उसकी भी जो पोएम है वो मोक एपिक है और ये तो इनकम्प्लीट रह जाएगी, यानी सही तरह से एपिक का रंग तो इसमें नहीं आएगा अगर मैं सुपर नेचुरल मशीनरी को इसमें कास्ट नहीं करता, तो वो भी फिर इसमें द मशीनरी ऑफ हिज पोएम्स कंप्राइजेस द सिल्फ्स लेड बाय एरियल नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर इमोर्टल क्रिएशन इन द टेम्पेस्ट, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो भी फिर अपने पोएम में एरियल्स और सिल्फ्स को कास्ट कर लेता है, और वही हमने चीज डिस्कस कर ली है कि उसने एरियल जो था वो टेम्पेस्ट से लिया था और सिल्फ्स जो था वो जर्मन राइटर वेलर की बुक से ले लिया था उसने। इसके बाद है एरियल टेल्स अस। अब यहाँ तक हमने एक इंट्रो पढ़ा, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने ले लिया है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं और रेप ऑफ द लॉक में कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब हम उनके जो फंक्शंस थे वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं वो सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एरियल है जो कि सिल्फ्स की चीफ लीडर है उनकी, वो क्या करती है, टेल्स अस इन द पोएम दैट टू हिम एंड हिज फॉलोअर्स हैज बीन असाइंड। अच्छा, बाज़ बच्चों को यहाँ पे ये आ सकता है कि आपने कहा था कि एरियल वुमेन हो सकता है, जी नहीं, एरियल जस्ट वुमेन नहीं, हर कोई बंदा जब मरने के बाद अपनी माखज में लौटता है तो वो उनका जो गार्ड होता है, उनका जो चीफ लीडर होता है वो एरियल कहलाता है, ठीक है, यानी जो रूहों का सरदार है वो एरियल है। तो अब उसकी जो जींस है उसको अगर आप डिटरमिन नहीं हैं कि वो फीमेल कंसिडर किया जाए या मेल किया जाए, तो आप उसको ही यानी मैस्कुलाइन जेंडर के साथ लेके चल सकते हैं। बहरहाल अगर आप यहाँ पे इसको फेमिनाइन जेंडर के साथ रिप्रेजेंट करें तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप फेमिनाइन लेके भी इसको चल सकते हैं, लेकिन फेमिनाइन लेके चलेंगे तो फिर आपको प्रोनाउंस चेंज करने पड़ेंगे। मसलन यहाँ पे लिखा है एरियल टेल्स अस इन द पोएम दैट टू हिम, तो आपको हिम की जगह पे फिर हर करना पड़ेगा एंड हर फॉलोअर्स लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो पोएम में एरियल अपने फॉलोअर्स को बताता है हैज बीन असाइंड दैट असाइंड द हम्बल बट प्लेजेंट ड्यूटी। तो हमें इस पोएम में एरियल बताता है कि उसे और उसके फॉलोअर्स को एक ड्यूटी, एक निहायत आजिज से, आसान से और खुशगवार से ड्यूटी दी गई है, और वो ड्यूटी ये है कि उन्होंने सर्व करना है फैशनेबल यंग लेडीज को, जो फैशनेबल यंग लेडीज हैं उनकी उन्होंने खिदमत करनी होती है, उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। द फंक्शन ऑफ दीज ट्रिप्स आर डिस्क्राइब्ड ह्यूमरसली एंड इंक्लूड सेविंग द पाउडर फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ फ्रॉम द चीक्स ऑफ लेडीज। और उनके जो काम है, जो सिल्फ्स के जो डिस्क्राइब किए गए हैं, वो बड़े मजाहिया अंदाज के साथ डिस्क्राइब किए गए हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटीज होती हैं उनमें ये भी शामिल होता है कि उन्होंने जो लेडीज होती हैं फैशनेबल लेडीज, उनके जो गाल हैं चीक्स में, चीक्स से पाउडर ना उड़ जाए, ये चीज़ भी उन्होंने प्रोटेक्ट करनी होती है कि उनके गालों के ऊपर पाउडर लगा रहे, उतर ना जाए, उड़ ना जाए। इसके अलावा उन्होंने ये करना होता है कि प्रिवेंटिंग सेंट्स फ्रॉम एवपोरेटिंग, के जो उनकी अत्र है, जो खुशबू और महक है, वो बखारात बन के उड़ ना जाए, वो भी बाकी रहे। प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिक्स को तैयार करना भी उनकी ड्यूटीज में होता है। टीचिंग द लेडीज टू ब्लश एंड टू पुट ऑन इनचेंटिंग एयर्स, और साथ साथ उन्होंने ये भी करना होता है सिल्फ्स ने, कि उन्होंने लेडीज को समझे पढ़ाना है, बताना है कि किस तरह से ब्लश करना है, मुस्कुराना किस तरह से है, चहकाना किस तरह से है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिल्फ जो होती हैं वो लेडीज को टीच कर रही होती हैं। एंड टू पुट ऑन इंचेंटिंग एयर्स, और माहौल को किस तरह से मैसूर के दिल लुभाने वाला माहौल किस तरह से बनाना है, ठीक है। सजेस्टिंग न्यू आइडियाज अबाउट ड्रेस, और ये के नए नए आइडियाज, नए नए ख्यालात ड्रेस के बारे में, ये भी उन्हें सिल्फ्स प्रोवाइड करती हैं। द सिल्फ्स आर लाइट बाई एनी हीरोइक स्टैंडर्ड, सिल्फ्स जो होती हैं उनमें हीरोइक स्टैंडर्ड जो होते हैं उनका काफ़ी फुकदान होता है, मीन्स ये कि वो कोई बहुत ज़्यादा नाइट टाइप की नहीं है, अगर कोई मुश्किल आए, कोई खतरा वो फील देखें, महसूस हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, स्केयर्ड फील करती हैं, डर जाती हैं। येट दे आर इन एवरी डिटेल ब्लिंडर्स इंटीमेट्स, लेकिन फिर भी वो हर हाल में, चाहे हालात आसान थे या मुश्किल हैं, वो बलिंदा के साथ रहते हैं और उसको मशवरे भी देते रहते हैं कि आपने क्या करना है, किस चीज़ से मुताहत रहना है। आपको याद होगा कि जब बलिंदा ने
कैंटो वन में हम पढ़ रहे थे कि बलिंदा को एक ड्रीम आता है और उसको एक यंग मैन कह रहा होता है कि चार टेम्परामेंट्स हैं स्पिरिट्स के, फिर जो चीफ एरियल है वो आती है और वो उसको कहती है काउंसिल करते हुए कि बी वेयर ऑफ मैन। ठीक है, तो हालात चाहे जैसे भी हों, जो ये स्पिरिट्स हैं ये साथ भी रहती हैं और साथ साथ काउंसिल भी करती रहती हैं। दे एक्सप्लेन द वेरियस कॉम्प्लिकेटेड कन्वेंशंस एंड एंजाइटीज दैट मेक अप बलिंदाज डे, और ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कन्वेंशंस और एंजाइटीज को भी वजाहत करती हैं। ठीक है, उनको बलिंदा को बताती हैं और बलिंदा को दिन की तैयारी के लिए सारा कुछ पहले से बता दिया जाता है कि आज आपके साथ ये होने वाला है। ठीक है, ड्रीम में जिस तरह उसको बताया गया था कि आप कि जो लॉक्स हैं इसको खतरा है और आपको मैन से जो है वो बचना है, सॉरी ये नहीं बताया गया था कि लॉक्स को खतरा है, बस उसको ये बता दिया गया था कि आपने मैन जो होते हैं उनसे अवेयर रहना है। इसके बाद जी, द सिल्फ्स इन द रेप ऑफ द लॉक आर बोथ अ मिरर एंड मोक एपोथिसिस। जो सिल्फ्स हैं वो रेप ऑफ लॉक में एक मिरर के तौर पर भी काम कर रही हैं और मोक एपोथिसिस के तौर पर भी काम कर रही हैं। यानी हमारा जो सोसाइटी थी उस टाइम की, ऑफ दैट टाइम, उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसकी जो रसूमात थी, जो उसके रवाज थे, उन सब को रिप्रेजेंट कर रही है सिल्फ्स। यानी उस वक्त के लोग इन चीज़ों को बहुत मानने वाले थे, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में वो बिलीव करते थे काफी ज्यादा लोग। तो ये एक तरह का मिरर है। दूसरा ये कि मोक एपोथिसिस है, मोक एपोथिसिस मीन्स ये होता है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा, जो कि इतना अहमियत का हामिल नहीं था, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो। ठीक है, तो उस चीज को आप एपोथिसिस कहते हैं। तो ये एक मोक एपोथिसिस है, मोक एपिक आप कह लें या मोक एपोथिसिस कह लें, एक ही बात है। बिलिंडा इज टोल्ड इन अ ड्रीम दैट सिल्फ्स गाइड एंड प्रोटेक्ट हर थ्रू द डेंजर्स ऑफ लाइफ। बिलिंडा को ख्वाब में बता दिया जाता है कि सिल्फ्स जो होती हैं वो गाइड और डेंजर में उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एरियल्स अकाउंट ऑफ द प्रीडिकमेंट ऑफ द टेंडर माइंड। एरियल्स जो थी, जो उसका चीफ गार्डियन है, वो भी मुसीबतों का जिक्र करते हुए कहता है कि जो जहन था, जो टेंडर माइंड था, जो मासूम जहन है, वो भी इन अ सर्कल ऑफ रेक्स, मुश्किल के घेराव में, मुश्किल मुसीबतों के दायरे में जब आता है, रिड्यूसेस हिज यूज ऑफ नोबल वर्ड सच एज इनोसेंट, ऑनर एंड प्योरिटी। तो वो जो मासूम जहन होता है वो नोबल वर्ड्स को भूल जाता है, ये मीन्स कि वो मासूमियत, वकार और पाकदामनी को साथ छोड़ देता है, टू द लेवल ऑफ अ मडल एंड अ शेम। यानी वो काफी ज्यादा गड़बड़ बुरे काम भी करने लग जाता है और बाय से शर्म वाले काम भी वो उससे होते हैं। ही इज देयर, ही टेल्स हर, एरियल उसको बताता है कि वो यहाँ पे इसलिए है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके उसकी प्योरिटी को, अकॉर्डिंग टू द सिल्फिक थियोलॉजी। ठीक है, वो उसकी पाकदामनी को बचा सके। डिफेंडेड बाई सिल्फ द मेल्टिंग मेड्स आर सेफ। मजीद ये कहता है कि वो जो मेड्स हैं जो के पिघलने वाली है, मीन्स ये कि जो के ट्रेचरस फ्रेंड्स की बातों में आके अपनी पाक दामनी लूज करने वाली हैं, उनको वो सिल्फ डिफेंड कर रही होती हैं, इसलिए वो सेफ रहती हैं। ठीक है, सेफ रहती हैं। फॉर व्हाट वी कॉल आनर इज रियली नो मोर देन प्रोविडेंस। और ये कि जिसे हम आनर कहते हैं ना, ये नाम निहाद जो आनर है, ये एक आकबत अंदेशी है जस्ट, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। रीअश्योरिंग बलिंडा इन दिस वे। और मजीद ये कि वो बलिंडा को इस तरह से जब कह रहा होता है, उसको यकीन दिला रहा होता है कि वो जो हैं मेडेन, जब उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है, उनकी उनकी हिफाजत करते हैं, और जो आनर है वो जस्ट एक आकबत अंदेशी है, दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आखिरत में ठीक है इसकी वैल्यू है लेकिन दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे ये एक जू मैन वर्ड है जिसका मतलब यह है कि एरियल इज इन इफेक्ट अंडरमाइनिंग हर मॉरल पोजिशन। एक तरह से यहाँ पे एरियल जो है उसकी अखलाकी जो पोजिशन थी उसको काफी ज्यादा अंडरमाइन कर रहा है, कमजोर कर रहा है। टेकिंग अवे विद वन हैंड द क्रेडिट ही गिव्स विद द अदर। वो एक हाथ से उसको क्रेडिट दे रहा है और दूसरे हाथ से उसको ले उससे क्रेडिट ले भी रहा है। यानी एक हाथ से उसको ये कह रहा है कि देखिए हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से उसको साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो आपकी ये ऑनर है इसका जस्ट ये आकबत अंदेशी है, एक जस्ट प्रोविडेंस है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है।
ही एक्सप्लेन्स हाउ वुमेन्स डिफेंस इज अचीव्ड। मजीद वो उसको ये एक्सप्लेन करता है कि एक वुमेन का डिफेंस किस तरह से हम अचीव करते हैं। अब मेरिन वुड फॉल टू फ्लोर इफ डायमंड वर नॉट एट हैंड टू डाइवर्ट हर अटेंशन। और ये कि एक दो चीज़ा फ्लोरियो की बातों में आ जाती, ठीक है। ये एक रेफरेंस दिया गया है, फ्लोरियो को, खूबसूरत सा बंदा है, ठीक है, उसकी बातों में आ जाएगी अगर वहाँ पे डायमंड्स ना होते उसको उसका ध्यान बटाने के लिए। एंड इफ एन ओल्ड फुली वर नॉट एक्सपेल्ड बाई आर न्यू। और ये कि अगर वो एक पुराने शख्स को नए शख्स के साथ बदलेंगी नहीं, तो जाहिर है वो उसके हाथों में आ जाएगी, उसके हाथों में अपना सब कुछ लुटा देगी। तो इसलिए क्या करती हैं वो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करते रहते हैं। और हर बंदे इसलिए तो उसने देखे ना आगे उसने ये यूज़ किया है, अ मेड शिफ्ट्स द मूविंग टॉय शॉप ऑफ हर हार्ट। जो मेडन है उसका जो हार्ट है वो एक टॉय शॉप की तरह, यानी एक खिलौना है उसके नज़दीक। उसके दिल में किसी एक बंदे की वक्त वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जस्ट उसको एक खिलौना समझ के उसको उसके साथ खेलना चाहिए, कभी इधर तो कभी उधर, ठीक है। विद हर वेरिंग वैनिटीज, और उसके साथ साथ बहुत सारे उसको घमंड और गुरूर देती है, सिल्फ देती हैं ताकि वो किसी एक की ना हो सकी। इट इज़ द सिल्फ्स दैट मेक हर डू दैट। और ये सिल्फ्स होती हैं जो ये सारे काम कर रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद द मशीन्स आर प्रेजेंट एट एवरी क्रूशियल सिचुएशन इन द प्ले, द सिल्फ्स आर प्रेजेंट इन द कोर्स ऑफ ब्लिंडास जर्नी। पूरी अगर हम पोएम को पढ़ेंगे तो पहले टू कैंटोज को छोड़ के आपको बाकी सारे में जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, जो सिल्फ्स हैं, ये आपको मिलेंगी, ठीक है। ये कोर्ट जाने में जब वो बोट यानी कैंटो टू में ऑलमोस्ट ये आ जाती हैं, तो वहाँ से ये शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आखिर तक ये उसके साथ रहती हैं। दे हैव बीन वार्न्ड बाई एरियल टू रिमेन अलर्ट एंड विजिलेंट। एरियल ने उसने कहा होता है पूरे सिल्फ को, क्योंकि वो उनको कमांड कर रहा है, तो वो सारी ये जो सब फौज है सिल्फ्स की, उनको एरियल ने इस चीज़ के वार्न कर रहा है, कहते तनबीह कर रखी है कि भाई अलर्ट रहना, चौकस रहना, ठीक है, और इसकी ब्लिंडा की हिफाजत करनी है अपने। 50 ऑफ देम हैविंग, 50 सिर्फ ऐसी थी जो उनको सिर्फ ये ड्यूटी दी गई थी कि उन्होंने क्या करना है, ब्लिंडा के पेटीकोट की उन्हें हिफाजत करनी है, ठीक है। जबकि एरियल खुद जो था इसने शार्क को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी अपने जुम्मे ले ली थी, ठीक है। शार्क एक पेट डॉग है ब्लिंडा का, तो इसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और इसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन था, इसको प्रोटेक्ट एरियल खुद कर रही है, ठीक है। दे आर इन अटेंडेंस ऑन बिलिंडा वेन शी प्लेज ओम्बर। और जब वो ताश की तरह की कोई खेल खेल रही होती है, कार्ड खेल रही होती है, 40 पत्तों की गेम खेलती है जो कि 300 गेम है, तो उस वक्त भी बिलिंडा को सिल्फ जो थे वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दे हॉवर अराउंड हर वेन शी सिप्स काफी। जब वो काफी पी रही होती है तो वो सारे जो होते हैं वो उसके गिर्द एक घेरा बना के खड़े होते हैं। एंड दे विदड्रॉ ओनली वेन एरियल सीज एन अर्थली लवर लर्किंग एट हर हार्ट। और वो उस वक्त विदड्रॉ करती हैं, मीन्स ये कि थोड़ी रियायत देती हैं, अपनी प्रोटेक्शन को थोड़ा लूज करती हैं, जब वो देखती हैं कि कोई दिल फेंक नौजवान देख रहा है उसको, ठीक है। अ जिनूम कॉल्ड अम्ब्रिल गोज टू द केव ऑफ स्प्लीन एंड रिटर्न्स विद अ बैग फुल ऑफ साइज सॉब्स क्रीम्स आउटबर्स्ट ऑफ एंजर। तो एक अम्ब्रियल नाम का एक जिनूम है, ये क्या करता है, ये केव ऑफ स्प्लीन में क्वीन ऑफ स्प्लीन के पास जाता है और उससे एक बैग लेके आता है जिसमें साइज सॉब्स क्रीम्स यानी गम, मुसीबतें, चीखें और गुस्सों गुस्से की एक लहर, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। एंड आई फील्ड विद फेंटिंग फिट्स। और एक फाइल है जो कि एक शीशी है, फाइल मीन्स की शीशी है, जो कि गशी गुस्से को तारे करने वाली उसमें दवाइयां हैं, यानी उसमें कुछ ऐसा पाउडर या सफूफ है कि जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के दौरे बंदे के ऊपर गालिब करता है। ऑल ऑफ विच आर रिलीज ओवर ब्लिंडा। और ये सारा कुछ वो आके ब्लिंडा के ऊपर डाल देता है। देखिए हमने इस चीज़ में ये पहले से हम ये चीज़ पढ़ चुकी हैं कि हमारे पास जो सिल्फ्स होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और जो जिनूम होते हैं, जिनूम उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खराबियां, उसके जहन में बुरे ख्याल या ऐसे आइडियाज वो डालते रहते हैं कि जिससे उस बंदे को
उस बंदे से वो कुछ गलत करवा सकें, ठीक है। एंड द सेल्फ आर प्रेजेंट टू विटनेस, ये हमारी इस्लामिक थ्योरी में भी कुछ इस तरह से है ना कि हमारे पास भी एक अच्छा फरिश्ता होता है और एक बुरा फरिश्ता होता है, जो कि बुरे अमाल लिख रहा होता है, एक अच्छा फरिश्ता अच्छे अमाल लिख रहा होता है। इसी तरह से सेम थ्योरी कुछ यहाँ पे भी है कि जो सिल्फ्स होते हैं वो उसको बुरे कामों से प्रोटेक्ट करती रहती हैं, जिनोम जो होते हैं वो उसके अंदर उसके जहन में ऐसे ख्यालात डालते हैं कि जो कि बंदा अपने हमें लग रहा होता है कि हमें अपनी जाती तस्कीन के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन वो सारा कुछ जिनोम्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। यानी अगर बंदा सेक्स की जानब रागिब हो रहा है तो वो उसको जिनोम करवा रहे हैं, अगर वो समाइल उसको गुस्सा दिलाने के लिए बैरून के ऊपर, बैरून वो बंदा था जो कि इसके बाल काटता है, लिट्स काटता है, तो उसके ऊपर गुस्सा दिलाने के लिए भी क्या करता है, जिनोम काम कर रहा है, ठीक है। एंड द सिल्फ्स आर प्रेजेंट टू विटनेस द फ्लाइट ऑफ ग्लिंडास लॉक ऑफ आर हेयर टू द स्काई, और जो सिल्क हैं वो इस चीज़ को भी देखती हैं, वो गवाह हैं कि जो ब्लिंडॉस की जो लॉक्स थी, उसकी जो लटें थी, काटे हुए बाल थे, वो आसमान की जानब चले गए हैं और वहाँ पे मौजूद हैं। इन शॉर्ट द मशीनरी ऑफ द पोएम इज कॉन्स्टेंटली केप्ट इन द रीडर्स व्यू टू द वेरी लास्ट। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि जो मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में, वो रीडर्स का ध्यान मुसलसल अपनी गिरफ्त में रखती है आखिर तक, ठीक है। यानी उनके जो उनको अपने साथ अटैच करके रखती है, सस्पेंस बना के रखा हुआ है इस सुपर नेचुरल मशीनरी ने। द सेल्फ एंड मशीनरी इज सुपर एरियल ऑफर्स अ सैटेनिक सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिश्चियनिटी। अच्छा, यहाँ पे वो ये चीज़ कह रहे हैं कि अगरचे ये मशीनरी का इस्तेमाल तो बहुत कमाल का किया गया है, लेकिन ये जो एरियल है ये सैटेनिक मीन्स के शैतानी मुतबादल के तौर पर भी है। यानी क्रिश्चियन थियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ है कि सैटन जो है वो हमारा एक दुश्मन के तौर पर भी लिया जाता है, दुश्मन है उसे हम कंसिडर करते हैं। तो ये एरियल जो है वो एक हिसाब से सैटेनिक सब्स्टिट्यूट है, इसको यानी शैतान का मुतबादल भी कहा गया है क्रिश्चियनिटी के नज़दीक। एडिसन जो है वो एडवाइज करता है पोप को अगेंस्ट एडिंग द मशीनरी ऑफ द सिल्फ्स टू द पोएम। एडिसन पोप को एडवाइज करता है कि देखें आप क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी के अगेंस्ट ना चलें, आप सिल्फ्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन पोप क्या करता है, इग्नोर द एडवाइस। पोप सक्सीडेड इमिनेंटली इन हिज डिजाइन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हिज एलिमेंट, और वो बड़ी कामयाबी के साथ इम्तियाज तरीके के साथ मीन्स के विद डिस्टिंक्शन वो कामयाब रहता है एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने में। अकॉर्डिंग टू जॉन डेनिस पोप्स मशीनरी कॉन्ट्राडिक्ट्स। अब जॉन डेनिस जो होता है, एडिसन ने तो उसको कहा था ना कि आप सिर्फ इसका इस्तेमाल ना करें, ये क्रिश्चियनिटी थॉट्स के अगेंस्ट हैं, उसने एडवाइस की थी, लेकिन उसने पोप ने उसकी एडवाइस को रद्द कर दिया था। जॉन डेनिस ने क्रिटिसाइज किया है, वो कहता है पोप्स मशीनरी कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स के तजाद है काफ़ी ज़्यादा द डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, यानी ईसाई मजहब के उलट है ये जो उसने यूज किया है, उसके मुतजाद है, उलट है, बरअक्स है, ऐसा ईसाई मजहब में नहीं होना चाहिए था, ईसाई मजहब में ऐसा नहीं है, लेकिन इसने उसके मजहब के उलट लिखा है जिसका मजहब में कोई वजूद ही नहीं है। दे प्रोवाइड नो इंस्ट्रक्शन एंड मेक नो इम्प्रेशन अपॉन अ सेंसिबल रीडर। और मजीद वो ये कहता है कि ये जो सिल्फ्स का जो सुपर नेचुरल मशीनरी का आपने इस्तेमाल किया, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देती और कोई इंप्रेशन नहीं देती उस रीडर के लिए जो कि सेंसिबल है, जो कि रीजन फॉलो करता है, जो लॉजिक को देखेगा तो वो आपकी इस चीज़ को रद्द कर देगा कि ये क्या चीज़ है जी, इस तरह की कोई चीज़ें तो होती नहीं है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एक्शन वंडरफुल, जस्ट ये है कि आपकी ये जो सिल्फ्स आपने सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया है, इसने एक्शन को वंडरफुल और डिलाइटफुल बना दिया है। दे रेंडर इट अब्सर्ड इनक्रेडिबल, लेकिन इसके साथ साथ इसने आपकी इस पोएम को मज़ेका खेज और नाकाबिले यकीन भी बना दिया है। जाहिर है जी सुपर नेचुरल है तो वो काबिले यकीन तो है नहीं, उसका नेचर के साथ तो कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता था। डेनिस ओपिनियन इज हाउएवर नॉट साउंड और कन्विंसिंग, ताहम जो डेनिस था उसकी ओपिनियन जो थी वो साउंड या कन्विंसिंग नहीं थी,
मीन्स के दलाइल के ऊपर नहीं थी, वो उसको उसको कायल नहीं कर पाया, ठीक है, पोप को। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।